सियासत क्यों, आपकी बेटियों पर अत्याचार कब तक, बंगाल की घटना से देश शर्मसार, मानवता के दर्जनों गुनहगार, आदम से लेकर काली की युग तक जो एक चीज नहीं बदली वो है इज्जत का औरत की योनि में होने की मानसिकता। जब मणिपुर का वो वीडियो सामने आया जिसमें कुछ इंसानी शक्ल के हैवान कुकी समुदाय की दो औरतों को बेआबरू कर सड़क पर घुमा रहे थे, उस वक्त दिमाग सुन पड़ गया, अंदर से रूह कांप उठी, मन में कई सवाल उठ रहे थे। मेरा मन मुझसे चीख चीख कर पूछ रहा, बार बार औरतें ही क्यों? क्योंकि औरत के बदन में उसकी कौम की इज्जत बसती है, इसलिए हर सभ्यता में जब जब मार काट हुई, दंगा फसाद हुआ, उसकी सबसे बड़ी कीमत ना चाहते हुए भी औरत को ही चुकानी पड़ी। वही औरत जिन्होंने कभी ये लड़ाई दंगे फसाद मांगे ही नहीं, वही औरत जो युद्ध के समय अपने पतियों के इंतजार में बच्चों को संभालती रही, वही प्रेमिकाएं जो युद्ध में अपने प्रेमी का इंतजार करते करते आखिरी दम भरने तक अपने आखिरी आंसू संभाले रही, वही औरतें जिन्हें हर युग में एक चीज की तरह इस्तेमाल किया गया, युद्ध लड़ने के लिए एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया। मणिपुर में जो भी हुआ वो समाज, लोकतंत्र और सभ्यता पर एक धब्बा है, और अभी मणिपुर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बंगाल में महिला के साथ हिंसा और निवस्त्र घुमाने का मामला सामने आया। दरअसल एक ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घटना 8 जुलाई की बताई जा रही है, जिस दिन राज्य में पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। महिला प्रत्याशी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने उसे निवस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। ये घटना हावड़ा जिले के पांचला इलाके का बताया जा रहा है। मामले में पांचला थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, मुझे तृणमूल के लगभग 40 उपद्रवियों ने मारा पीटा, मेरी सीने और सिर पर डंडे से वार किया और मुझे मतदान केंद्र से बाहर फेंक दिया गया। वही मणिपुर के वायरल वीडियो पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वही BJP और इसके नेता कांग्रेस को राजस्थान में खराब कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दरअसल राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस के दौरान मणिपुर में महिलाओं को उपद्रवी भीड़ के निवस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई, जिसके बाद ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सख्त लहजे में अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा, राजस्थान में इस बात में सच्चाई है, हम महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं आपको बता दें कि राजस्थान में एक हफ्ते के दौरान 3 आपराधिक घटनाएं हुई। राजस्थान में मणिपुर वाला हाल, 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वहीं नाबालिग के साथ गैंग रेप भी हुआ। जोधपुर के ओसिया गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर शव जलाने का भी आरोप है। पैदा होने से लेकर कब्रिस्तान या शमशान तक एक औरत की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं। महावारी, शरीर में बदलाव, उसे देखने वालों की नजर में बदलाव, बच्चा होने पर बदलाव, और इतने बदलाव में भी आदमियों के उन पर तंज कसने से लेकर दफ्तरों में सेक्सिस्ट जोक्स और महफिलों में बैठकर चाय पीते हुए उनका मजाक बनाने तक का सफर किसी भी इंसान में जहर घोलेगा। ये बात तो ठीक है कि मणिपुर में जो हुआ वो एक धब्बे की तरह हमारे जहन में उतर चुका है, मगर ये जो रोज का उत्पीड़न है और ऐसी घटनाओं के पीछे का जो कारण है, उसे जब तक नहीं समझा जाएगा, लोगों की हैवानियत की वजह को जब तक नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक आदमी औरतों को अपनी इज्जत, अय्याशी और मर्दानगी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा।